मेरा नाम अमिताभ है। मैं एक एयरफोर्स ऑफिसर का बेटा हूँ। मैं पैदा हैदराबाद में हूँ और बचपन मेरा पंजाब में बीता है और दिल्ली में। हमारा बचपन बड़ा ओपन था। ओपन था इन द सेंस कि वी वेर लाइक किड्स, एवरी किड। हम एक दूसरे से मिलते थे, झूलते थे। हमें कोई ये नहीं था कि सब हमारे लिए सब बराबर से थे। दिल्ली आने के बाद मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई। ट्वेल्थ किया मैंने केंद्रीय विद्यालय से, सेंट्रल स्कूल से, एंड उसके बाद मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया ज्वाइन किया। मेरे पास ऑप्शंस थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना और या जामिया मिल्लिया इस्लामिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम पास जैसे कोर्स मिल रहे थे, बट जामिया में ये जो कोर्स था बैचलर ऑफ सोशल वर्क, ये थोड़ा डिफरेंट था। जब मैं कॉलेज में गया, लोग मुझे मजाक भी उड़ाते थे कि झाड़ू लगाएगा, बैचलर सोशल वर्क कर रहा है, बट जामिया ने मुझे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वहाँ हम लोग रूरल कैंप्स में जाते थे, टूर्स में जाते थे, लोगों से इंटरेक्ट करते थे। इवन इन जामिया ऑल्सो आई केम टू नो अबाउट डिफरेंट रिलीजन ऑल्सो। मेरा इंटरेक्शन इतने दूसरे इस्लाम धर्म को मानने वालों से नहीं था, बट जामिया में जाके हुआ। वहाँ क्रिश्चियंस भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे और आपके मुसलमान भी थे। वहाँ कभी हमें फर्क पता ही नहीं चला कि देयर इज समथिंग डिफरेंट। एजुकेशन वाइज भी देयर इज वाज नो एम्फेसिस ऑन एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इट वाज कंप्लीटली सेकुलर काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट व्हाट वी गॉट इन जामिया मिल्लिया इस्लामिया। इसीलिए मेरा बेटा भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन तो कर लिया है उसने, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ही कर रहा है। मैंने ये 8000 किलोमीटर की यात्रा बेग साहब का मैसेज ऑफ नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए किया। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड विथ हिम, द काइंड ऑफ विजन ही हैड। उनके जो विजन थे, उनका जो सोच था, उनकी जो नज़रिया था लोगों के लिए, वो इतना इम्प्रेसिव था। क्योंकि मेरा इंटरेक्शन इनसे जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, उन तब से शुरू हुआ था और ये चलता रहा उनके इंतकाल तक। मैं देखता था जब हम कॉलेज में थे, हम जब उनके घर जाते थे, आओ बैठो, चाय पियो, नाश्ता करो, मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन। ये चीज़ हमारे लिए नहीं था, इट इज़ फॉर एवरीबडी। बाहर कोई गार्डनर काम कर रहा है, उसके लिए भी यही था। जो बाहर सफाई कर रहा है, उसके लिए भी यही था। लखनऊ के बाद मैं गया उनके आजमगढ़। आजमगढ़ में आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि आजमगढ़ में उन्होंने क्या काम किया है। स्कूल चलते हैं, कॉलेजेस चलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होता है बच्चों का। एक वॉइस ऑफ आजमगढ़ एफएम रेडियो चल रहा है वहाँ उनके ही सेटअप से। लोगों को पॉजिटिविटी बताई जाती है। आजमगढ़ से छोटा सा शहर, डूइंग सो मच ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट, गर्ल्स एम्पावरमेंट। बनारस गया जहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मैं गया, गया प्लेस ऑफ पीस। मैं कैलकटा गया, आई वेंट टू सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, आई गो वेंट टू कन्याकुमारी। वहाँ कहीं नहीं देखा मैंने 8000 किलोमीटर में देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलीजन्स। एवरीबडी इज फॉलोइंग देयर ओन रिलीजन, अपनी तरीके से अपने रिलीजन को मान रहे हैं। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, आप मिलके रहिए, एक साथ रहिए, देश के लिए काम कीजिए, देश के विकास के लिए काम कीजिए। यही बेग साहब का मिशन था और यही बेग साहब का विजन था। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है।